क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6 है कि हमें फाइंड करना है लिमिट ऑफ एक्स अप्रोच टू 0, 1 प्लस टेन ऑफ एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस साइन ऑफ एक्स होल पावर 1 डिवाइड बाय साइन ऑफ एक्स है, इसका लिमिट फाइंड करना। तो इसके लिए देखें, एक फंक्शन हमने पहले डिफाइन किया था प्रीवियस लेक्चर में, लिमिट एक्स अप्रोच टू सी 1 प्लस एफ ऑफ एक्स होल पावर 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स हो, तो ये ई के इक्वल होता है। हम ट्राई करते हैं कि इस तरह की कोई फंक्शन बना दे, या फिर इसको मजीद सिंप्लीफाई करके कोई और फॉर्म बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि लिमिट ऑफ एक्स अप्रोच टू 0, 1 प्लस टेन ऑफ एक्स होल पावर 1 अपॉन साइन ऑफ एक्स डिवाइड बाई लिमिट ऑफ एक्स अप्रोच टू 0, 1 प्लस साइन ऑफ एक्स होल पावर 1 अपॉन साइन ऑफ एक्स। तो विच इज इक्वल टू होगा लिमिट ऑफ एक्स अप्रोच टू 0, 1 प्लस साइन ऑफ एक्स डिवाइड बाई कॉस ऑफ एक्स होल पावर 1 अपॉन साइन ऑफ एक्स होगा, डिवाइड बाई, यहाँ पे देखिए ये लिमिट एक्स अप्रोच टू 0, 1 प्लस साइन ऑफ एक्स होल अपॉन एक्स, यानी 1 प्लस एफ ऑफ एक्स होल पावर 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स बन रहा है, ये ई के इक्वल होगा। इसको जब हम मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो विच इज इक्वल टू 1 अपॉन ई कॉन्स्टेंट होगा, और इसको आप लिख सकते हैं लिमिट ऑफ एक्स अप्रोच टू 0 एंड 1 प्लस साइन ऑफ एक्स डिवाइड बाई कॉस ऑफ एक्स जो है वो आपके पास टेन ऑफ एक्स होता है, ये टेन ऑफ एक्स है, तो यहाँ भी 1 डिवाइड बाई टेन ऑफ एक्स आना चाहिए। टेन ऑफ एक्स लाने के लिए यहाँ साइन ऑफ एक्स डिवाइड बाई कॉस ऑफ एक्स होल पावर 1 अपॉन कॉस ऑफ एक्स लिख सकते हैं इसको। तो इसमें भी देखिए, जब आप लिमिट अप्लाई करें तो ये 1 अपॉन ई होगा, और ये पूरा इसमें लिमिट अलग अलग करके अप्लाई कर दीजिए, लिमिट ऑफ 1 प्लस साइन ऑफ एक्स डिवाइड बाई कॉस ऑफ एक्स होल पावर 1 डिवाइड बाई साइन ऑफ एक्स अपॉन कॉस ऑफ एक्स होगा, और इसकी पावर में भी लिमिट अप्लाई होगा, लिमिट ऑफ एक्स अप्रोच टू 0, 1 अपॉन कॉस ऑफ एक्स होगा, अभी एक्स अप्रोच टू 0 होगा। तो यहाँ पे देखिए, हमारे पास एक फंक्शन थी, अगर आपके पास कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 है और जी ऑफ एक्स का लिमिट एग्जिस्ट करता है, तो लिमिट ऑफ एक्स अप्रोच टू सी एफ ऑफ एक्स होल पावर जी ऑफ एक्स है, तो आप लिमिट अलग अलग करके स्प्रेड करके अप्लाई कर सकते हैं। ये होगा लिमिट ऑफ एक्स अप्रोच टू सी एफ ऑफ एक्स, एंड इसकी पावर में भी आप लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, होगा लिमिट ऑफ एक्स अप्रोच टू सी जी ऑफ एक्स होगा। तो यहाँ पे देखिए, ये पूरी फंक्शन जो है वो ग्रेटर देन 0 है, यही को कन्वर्ज कर रहा है, और यहाँ पे देखिए 1 अपॉन कॉस ऑफ एक्स से लिमिट ऑफ एक्स अप्रोच टू 0, 1 अपॉन कॉस ऑफ एक्स ये एग्जिस्ट करता है, कॉस ऑफ 0 1 के इक्वल होता है, इसका लिमिट 1 होगा, ये एग्जिस्ट करता है, तो हम ये प्रॉपर्टीज में अप्लाई कर सकते हो, लिमिट को अलग अलग करके अप्लाई कर दिया, तो ये होगा 1 अपॉन ई इंटू, ये पूरा देखिए यहाँ से यहाँ तक ये पूरा ई के इक्वल होगा, और इसमें लिमिट अप्लाई कर दे 1 होगा, तो ई और ई कैंसल होते ये 1 इसका लिमिट आएगा, इसका रिजल्ट होगा। और पार्ट 7 देखें, क्वेश्चन 2 का, ये लिखा हुआ है कि लिमिट ऑफ एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी 3 एक्स स्क्वायर प्लस
टू ऑफ एक्स प्लस वन डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू होल पावर 6x+1 डिवाइड बाई 3x+2 है। तो इसमें देखें अगेन वही प्रॉपर्टी लगेगी कि अगर लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 है और लिमिट ऑफ जी ऑफ एक्स एग्जिस्ट करता है तो लिमिट ऑफ एफ इंटू जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू होगा लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स होल पावर लिमिट ऑफ जी ऑफ एक्स के इक्वल। तो यहाँ देखते हैं कि इसका लिमिट एग्जिस्ट करता है कि नहीं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। पहले लिमिट ऑफ एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी होगा और यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर कॉमन लेना है, या एक्स स्क्वायर हम यहाँ से कॉमन लेते हैं तो ये होगा एक्स स्क्वायर इंटू 3+2 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई यहाँ से भी एक्स स्क्वायर कॉमन लेना है, डिनोमिनेटर से भी 1+1 अपॉन एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर होगा। और यहाँ पावर में देखिए एक्स कॉमन लेना है, एक्स जब हम पावर से कॉमन लेते हैं तो एक्स इंटू 6+1 अपॉन एक्स होगा डिवाइड बाई यहाँ भी एक्स कॉमन लिया तो 3+2 अपॉन एक्स बचेगा, यहाँ एक्स और एक्स कैंसल, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएंगे। तो अभी देखिए इसका लिमिट जो है वो लिमिट ऑफ एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी 3+2 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1+1 अपॉन एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर जो है वो इक्वल टू होता है 3+0+0 डिवाइड बाई 1+0+0 विच इज इक्वल टू 3 होता है, ये ग्रेटर देन 0। और सिमिलरली देखें जो लिमिट ऑफ जी ऑफ एक्स है इसको कहें कि लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये है और लिमिट ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू है एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी 6 × 1+1 अपॉन एक्स, सॉरी 6+1 अपॉन एक्स डिवाइड बाई 3+2 अपॉन एक्स है। तो इसका लिमिट होगा 6+0 डिवाइड बाई 3+0 होगा विच इज इक्वल टू 2 होगा, ये एग्जिस्ट करता। तो जब लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 हो और लिमिट ऑफ जी ऑफ एक्स एग्जिस्ट करता है तो हमें पता था कि लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स होल पावर जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू होता था लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स होल पावर लिमिट ऑफ जी ऑफ एक्स के इक्वल होता था। तो ये प्रॉपर्टीज में अप्लाई कर दें, इसको इस क्वेश्चन में अप्लाई कर दें, अप्लाई करने से आपके पास आएगा लिमिट ऑफ एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी एंड दिस इज थ्री प्लस टू अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1+1 अपॉन एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर एंड पावर में भी लिमिट ऑफ एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी होगा और ये 6+1 अपॉन एक्स डिवाइड बाई 3+1 अपॉन एक्स होगा विच इज इक्वल टू, इसका जो लिमिट था वो आपके पास था 3 था और इसका जो लिमिट था वो 2 था विच इज इक्वल टू 9 इसका लिमिट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन 8 है, पार्ट 8 है इसका। तो पार्ट 8 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको थोड़ा गौर से देखना है। इसमें लिखा है लिमिट ऑफ एक्स अप्रोच टू -1 एंड एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 होल पावर 1 - कॉस ऑफ एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर है। इसमें देखिए ये एफ ऑफ एक्स है, जे जी ऑफ एक्स है, तो ये तो सिंपलीफाई करने से ग्रेटर देन 0 आ ही जाएगा।
लेकिन इसमें देखें, जब जी ऑफ एक्स में आप लिमिट पुट करते हैं तो लिमिट ऑफ 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 होल स्क्वेयर जो है वो नॉट एग्जिस्ट होता। तो इसको फिलहाल सिंप्लीफाई करना होगा। सिंप्लीफाई करके फिर देखते हैं कि वही रूल अप्लाई हो सकता है कि नहीं होता है। अगर एफ ऑफ एक्स की पावर जी ऑफ एक्स से हो है तो एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, जी ऑफ एक्स एग्जिस्ट करना चाहिए, तब हम अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ एग्जिस्ट नहीं करता है तो यहाँ डायरेक्ट हम अप्लाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पे देखिए, जो एफ ऑफ एक्स है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू है एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 है, और जी ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास है 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। अभी लिमिट अप्लाई कर दें, लिमिट ऑफ एक्स अप्रोच टू -1 एफ ऑफ एक्स करते हैं तो विच इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एक्स अप्रोच टू -1 एंड एफ ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 है। तो यहाँ पे डायरेक्ट एक्स अप्रोच टू -1 पुट कर दें। एक्स अप्रोच टू -1 पुट करने से ये होगा आपके पास +1, ये भी +1, ये -1, ये +1, तो ये 2 होगा डिवाइड बाय, या इसमें पुट करते हैं +1 फिर -1 पुट किया तो -1 फिर +1, ये 3 होगा, तो ये ग्रेटर देन 0 0 है, एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 है। तो अभी जी ऑफ एक्स को हमने फाइंड करना है, जी ऑफ एक्स 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 होल स्क्वेयर है, ये एग्जिस्ट करना चाहिए। तो इसको एग्जिस्ट करने के लिए हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करके देखते हैं कि क्या हो। तो यार नली देखिए, इसको जो 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स प्लस 1 जो है वो इक्वल टू होगा 2 साइन स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई 2 के इक्वल होगा, बाई हाफ एंगल आइडेंटिटी में देखें ये इसके इक्वल होता है। तो इसकी वैल्यू ला के इधर पुट करते हैं, पुट करने से ये होगा आपके पास 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई 2 अपॉन एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर होगा। तो इसमें देखें, यहाँ पे जो लिमिट है एक्स अप्रोच टू -1 है एफ ऑफ एक्स, इसको हम लिख सकते हैं लिमिट ऑफ एक्स प्लस 1 अप्रोच टू 0। एक्स अप्रोच टू -1 है तो एक्स प्लस 1 0 को अप्रोच करेगा, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लिखते हैं 2 साइन स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई 2 अपॉन, यहाँ पे एक्स प्लस 1 है, यहाँ देखिए साइन स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस 1 है तो यहाँ भी स्क्वायर है, तो थीटा जो है वो आपके पास क्या है, थीटा एक्स प्लस 1 अपॉन 2 है, थीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन 2 है। तो हमारे पास एक फार्मूला था लिमिट ऑफ एक्स अप्रोच टू 0 साइन ऑफ एक्स अपॉन एक्स विच इज इक्वल टू 1 होता, तो यहाँ पे थीटा एक्स प्लस 1 अपॉन 2 है, तो यहाँ भी डिवाइड बाई, ये स्क्वायर में है तो डिवाइड बाय 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर 4 होता है, तो ये मल्टीप्लाई बाय 4 करना, तो इसमें 2 अपॉन 4 जो है वो कांस्टेंट है, इसको बाहर निकालना होगा। निकाला तो ये लिमिट ऑफ एक्स प्लस 1 अप्रोच टू 0 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 अपॉन 2 डिवाइड बाय एक्स प्लस 1 डिवाइड बाय 2 होल स्क्वायर होगा। तो ये देखिए लिमिट एक्स अप्रोच थीटा अप्रोच टू 0 साइन थीटा डिवाइड बाई थीटा बनता है, और ये 1 के इक्वल होता है, तो ये 2 डिवाइड बाई 4 1 अपॉइंट 2 होगा, और 1 अपॉइंट 2 डॉट 1 1 के इक्वल होगा। तो ये आपके पास लिमिट ऑफ जी ऑफ एक्स है और ये एग्जिस्ट करता है।
एग्जिस्ट करता है। तो अभी हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है, अगर ये लिमिट ऑफ जी ऑफ एक्स एग्जिस्ट करता है तो लिमिट ऑफ एक्स अप्रोच टू सी एफ ऑफ एक्स होल पावर जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू होता है लिमिट ऑफ एक्स अप्रोच टू सी एफ ऑफ एक्स एंड उसकी पावर में लिमिट ऑफ एक्स अप्रोच टू सी जी ऑफ एक्स होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एफ ऑफ एक्स का लिमिट जो आया था वो आपके पास लिमिट ऑफ एक्स अप्रोच टू -1 एफ ऑफ एक्स जो था वो आपके पास आया था, इसका लिमिट 2/3 आया था, और लिमिट ऑफ एक्स अप्रोच टू -1 जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 आया था। तो यहाँ पुट कर दें, पुट करने से इसका जो लिमिट है वो इक्वल टू होगा 2/3 की पावर 1/2 हो, ये होगा लिमिट ऑफ एक्स अप्रोच टू -1 x² + x² प्लस x+1 डिवाइड बाई x² - x+1 होल पावर 1 cos(x+1) डिवाइड बाई x+1² का जो लिमिट है वो इसी के इक्वल है, विच इज इक्वल टू 2/3 की पावर 1/2। तो इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन 9 में दिया है कि लिमिट ऑफ एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी एंड 1+3x डिवाइड बाई 2+x एंड 1 -√x डिवाइड बाई 1 - x दिया। यहाँ भी देखिए जो एफ ऑफ एक्स है उसको आप कंसीडर कर दे, 1+3x डिवाइड बाई 2+x है, और इसमें लिमिट ऑफ एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी है, तो यहाँ से एक्स कॉमन लेना है, एक्स कॉमन लिया तो 1/x+3 डिवाइड बाई एक्स इंटू 2+2/x+1 होगा, तो एक्स और एक्स कैंसल आउट हो जाएंगे जब आप लिमिट पुट करते हैं, तो ये 3 होगा, 3 इसका रिजल्ट आएगा। और इन द सेम वे जी ऑफ एक्स जो है वो आपके पास है 1 -√x डिवाइड बाई 1 - x है, तो यहाँ से देखें आप अंडर रूट एक्स कामन निकालें, अंडर रूट एक्स कामन निकालें और लिमिट अप्लाई कर दें लिमिट ऑफ एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी अंडर रूट एक्स 1/√x - 1 डिवाइड बाई अंडर रूट एक्स 1/√x - √x होगा, तो ये अंडर रूट एक्स कैंसल होगा और ये आएगा 1/∞ विच इज इक्वल टू 0 होगा, और इसका लिमिट देखिए एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट करता है, तो इसका मतलब होगा कि जो लिमिट ऑफ एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी 1+3x डिवाइड बाई 2+x होल 1 - √x डिवाइड बाई 1 - x जो है वो इक्वल टू होगा, इसका जो लिमिट था वो 3 था, 3 की पावर 0 होगा विच इज इक्वल टू 1।